पीठ परिषद दित्यवाहिनी नंदवाहिनी शाखा खानपुर मनवाल की ओर से आदि गुरु शंकराचार्य महाबाग का प्रगट दिवस धूमधाम से मनाया गया। दित्यवाहिनी के सदस्यों द्वारा शहर के विभिन्न विभिन्न नाकों पर दिन रात सेवा कर रहे पुलिस कर्मियों को दस्ताने, मास्क व फल भी वितरित किए गए, जिसकी जानकारी में अजय शर्मा ने बताया। डेवलप करवाए गए प्रोग्राम का थोड़ा जहा ब्यौरा दियो। मैं अजय शर्मा दित्यवाहिनी पंजाब का अध्यक्ष हूँ। आज भगवत पाद आदि शंकराचार्य भगवान, जिनका प्रकटे जो है वो 507 ईसा पूर्व हुआ था, आज हम उनका प्रकट दिवस 2528वां प्रकट दिवस जो है वो पूरे भारतवर्ष में मना रहे हैं। और इस अवसर पर मैं पूरे समाज को, देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि अगर आदि शंकराचार्य भगवान ना होते तो आज हम जिस रूप में हैं वो नहीं होते। आदि शंकराचार्य भगवान जिस काल में आए उस समय बौद्धों का पूरे भारतवर्ष में अराजकता पूर्व आतंकवाद पूर्ण शासन चल रहा था, और उन्होंने उस शासन तंत्र को परास्त करके सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म पर आधारित धर्म नियंत्रित पक्षपातहीन शोषण विनमुक्त शासन तंत्र की भारत भूभाग स्थापना की और सुधन्वा जी को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उद्घोषित किया। आज उनका जो अभियान है उसका इस समय भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने इस धरा से जाने से पूर्व भारत के चारों दिशाओं में चार पीठों की स्थापना की और उन पीठों पर अपने एक एक शिष्य को स्थापित करके उन्होंने अपना नाम दिया कि इन पीठों पर विराजमान जो भी महापुरुष आचार्य होंगे वो हिंदू धर्म के सर्वोच्च आचार्य और धर्मगुरु माने जाएंगे और मेरा ही रूप उनको माना जाए। और ये जो पीठें हैं ये कलयुग के अंत तक रहने वाली हैं। अभी तो कलयुग जो है वो पालने का बच्चा है, अभी 427,000 वर्ष आयु कलिकाल की शेष है। और इस लंबी अवधि में जो भगवत पाद आदि शंकराचार्य भगवान हैं वो गुरु गद्दी पर विराजमान रहेंगे। और इस समय जो गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगदीश शंकराचार्य भगवान हैं, उनके मार्गदर्शन में पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में एक क्रांति जो है वो चल रही है कि हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता को स्थापित करने के लिए देश और विश्व भर में ये अभियान चल रहा है। और ये जो अभियान है ये किसी महापुरुष का अभियान नहीं है, ये साक्षात भगवान श्रीमन नारायण का अभियान है। और इस अभियान का लक्ष्य जो है वो पूरे विश्व की जो मानवता है उसकी रक्षा करना है, पूरे विश्व में शांति स्थापित करना है। वो तभी संभव है जब हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा होगी और उसके बल पर ही विश्व की रक्षा जो है वो संभव है। आज पीठ परिषद दित्यवाहिनी आनंदवाहिनी खानपुर मनवाल की ओर से आदि गुरु शंकराचार्य भगवत पाद की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। सर्वप्रथम गाँव पंगोली में संस्था के द्वारा महिमानंद पंडित जी ने शिव अर्चना की। तत्पश्चात सेवा के प्रकल्प के रूप में शहर के जितने भी नाके हैं उन पर उपस्थित सुरक्षाकर्मी, सेवाकर्मी जो दिन रात अपने परिवारों की परवाह ना करते हुए जो सेवा दे रहे हैं उनको दस्ताने, मास्क और फल वितरण किया गया। ये जो सुरक्षाकर्मी हैं ये साथ में जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी जिसने पूरे विश्व को ग्रस्त कर लिया है उसके कारण इस बार जो आदि गुरु शंकराचार्य जयंती हम सामूहिक रूप से नहीं मना सके क्योंकि सभी लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते थे, इसलिए सभी ने अपने अपने ढंग से पूजा अर्चना करके जो है इस कार्यक्रम को मनाया। तो आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जयंती के उपलक्ष्य में मैं समूह क्षेत्रवासियों को, धर्म प्रेमी सज्जनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उनकी जयंती मनाना तभी सार्थक होगा अगर हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चले। जो दृष्टिकोण और व्यू रचना उन्होंने 507 ईसा पूर्वक हमें दी थी जिसके कारण हमारा राष्ट्र सुरक्षित है, उसी व्यू रचना और दृष्टिकोण को हम अपनाएं और भव्य भारत की संरचना में जो है अपना योगदान सुनिश्चित करें। मैं दोबारा सभी इलाकावासियों को भगवत पाद के जो प्रकट दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और संस्था के सभी सदस्यों से निवेदन करती हूँ कि पूरी पीठाधीश्वर जो कि इस पीठ के 145वें शंकराचार्य हैं वो इसी अभियान को लेकर पूरे
भारत में निकले हुए हैं, उनके मार्गदर्शन में पीठ परिषद आदित्य वाहिनी के साथ ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को जोड़े ताकि जो है एक उत्कृष्ट भारत का निर्माण हो सके और हम भी अपनी सहभागिता जो है इस कार्य में सुनिश्चित कर सके। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defense Road, Pathankot. ऑकलैंड पब्लिक स्कूल त्रेहटी शापुरकंडी जुग्याल पठानकोट प्राउडली अनाउंसेस ओपनिंग ऑफ एडमिशन फ्रॉम नर्सरी टू 12th क्लास। स्कूल इज एंडोर्ड विद लश ग्रीन एंड पीसफुल कैंपस स्प्रेड ओवर 5 एकर्स ऑफ लैंड। वी यूज लेटेस्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड बिलीव इन प्रोवाइडिंग द बेस्ट एजुकेशन द चाइल्ड डिजर्व्स। वी हैव वेल इक्विप्ड लैब्स फॉर साइंस एंड कंप्यूटर, also well equipped library for cultivating reading habits among the learners, affordable fee structure and scholarships, conveyance also available. Auckland Public School Trehti Shapurkandi Jugyal Pathankot. Feel free to call us on 70875 36789, 70875 46789. St. Mary's Senior Secondary School, Sujanpur. Here, we hope to create an atmosphere for education. At St. Mary, academic subjects and extracurricular activities complement each other to develop social skills and health of students. Theory and concepts are well understood by performing scientific experiments on their own. Our school encourages students to think independently and in depth of their own ways. Well-furnished library. Library is a place from where we get peace and lots of vital knowledge, which is very essential for our life. High-tech computer lab. Language lab for English proficiency. St. Mary's Senior Secondary School, Kalachak Road, Sujanpur, District Pathankot. Affiliated to CBSE, New Delhi. For admissions, call 0186-2244625-9876-660625-855-8835-275.